कुछ दिनों पहले की बात है, एक भक्त भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति को चोट लगने पर एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल पहुंचा था। फूट फूट कर रो रहे उस शख्स की श्रद्धा को देखकर डॉक्टरों ने लड्डू गोपाल का चिकित्सीय परीक्षण और उपचार किया। इस भक्त की भक्ति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद का हाल और खुद उस भक्त से भी मिलवाऊंगी। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। भगवान लड्डू गोपाल में अट्टू आस्था रखने वाले ये भक्त यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाले हैं और इनका नाम है रिंकू। रिंकू उस रोज का वाक्य बताते हुए क्या कुछ कहते हैं, खुद ही सुनिए। ईश्वर के प्रति आपने तमाम भक्ति, तमाम लोगों की आस्था देखी होगी, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे किसी चीज़ को लेकर। हर व्यक्ति को अपने इष्ट प्यारे होते हैं, लेकिन आज हम आपको शाहजहांपुर के खुटार ब्लॉक के छोटे से गांव सुजानपुर में रिंकू की कहानी बताएंगे। आप देखिए रिंकू को कैसे लड्डू गोपाल से प्रेम हुआ, किस तरीके से रिंकू जो है लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन हो गए, और आज हम रिंकू की जुबानी सुनेंगे। आइए बात करते हैं रिंकू से। रिंकू, ये बताइए कब से आप कैसे पूजा करते हैं, सुबह से क्या करते हैं? सुबह मैं उठता हूँ, उठ के यानी कि अपने आप को हाथ मुंह धोते हैं, लड्डू गोपाल को हंधवाते हैं, हंधवा के प्रति उनका भोग लगाते हैं और ऐसे ही पूजा नियम करते हैं। और मुझे तो यानी कि जब लड्डू गोपाल मेरे हाथ से गिरे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्राणों से प्यारे लड्डू गोपाल गिर गए, चोट लग गई। और लोगों ने कहा ये तो ढोंग है, पाखंड है, लोग पागल मुझे बताने लगे। और तभी मैं खूब रोया और नहीं तसल्ली पड़ी। फिर हम दवाई सरकारी अस्पताल लेने गए, वहाँ भी लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे, कहने लगे तो ढोंग है, पाखंड है, और यानी कि यह कुछ नहीं है, ये तो एक मूर्त है, टूट गई। हम जानते हैं ये मेरे इष्टदेव हैं मेरे पास, तो हम दिल में अपने उनको बसा के रखते हैं, मेरे लल्ला हैं। और लोग कहते हैं ईश्वर है, नहीं हम ईश्वर के माध्यम से नहीं पूछते हैं। और जब लोगों ने ऐसे कहा तो मुझे नहीं राज पड़ी। हम फिर सर यानी कि अस्पताल में दवाई लेने गए प्राइवेट, तो वहाँ मुझे दवाई चेक करे, मुझे तो 100 डिग्री बुखार निकला। डॉक्टर साहब ने कहा मूर्त को कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ भी मैंने जांच कराई। फिर मैंने कहा 100 डिग्री बुखार है, आप रिंकू दवाई खा लेना। मैंने दवाई नहीं खाई और मैंने अपने लट्टू गोपाल को खवाई, मेरा बुखार 100 डिग्री मालूम नहीं चला कहाँ चला गया। और अभी भी लोग कह रहे हैं पाखंड है, ढोंग है, कुछ भी नहीं है, ये तो आगे बढ़ने के लिए, वायरल करने के लिए। मुझे यह वायरल और वीडियो कुछ भी नहीं लेन देन, हमें सिर्फ अपने प्रभु लट्टू गोपाल से आस्था है कि हमेशा हमें अपने ही चरणों का सेवादार बनाए रखना, और हमेशा मैं ऐसे ही पे सेवा करता रहूं, और दुनिया की देखने में कुछ भी हो पर मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। रिंकू, एक बात बताइए कि जब आपके लड्डू गोपाल को चोट लगी तब उस वक्त आपने कैसे किस किस को बुलाया, किस किस को अपनी मदद के लिए बुलाया? मैंने किसी को नहीं बुलाया। जब मेरे हाथ से लट्टू गोपाल गिरे तभी मुझे मालूम नहीं चला यानी कि मैं क्या करूं। मैंने उठाया फ़ोन और मैंने बात की, हमने 108 पे फ़ोन लगाया, हमने कहा सर मेरे लट्टू गोपाल गिर गए। उन्होंने नाम ना पता पूछा कैसे लट्टू गोपाल हैं, क्या है क्या नहीं, तो मैंने गोपाल नाम बताया। और नाम बता के जब एम्बुलेंस आए तो एम्बुलेंस वालों ने देखा कि यानी कि ये तो मूर्ति है, इसके चोट नहीं लगती है। मैंने कहा नहीं लेके चलो साथ, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। गाँव के लोग कहने लगे ये तो पागल हो गया है, ये कुछ भी नहीं। मैं उस टाइम पर मुझे मालूम नहीं चला कि मैं पागल हूँ या क्या हूँ। क्या क्या आप अपने लड्डू गोपाल को खिलाते हैं? हम जो हम खाते हैं वो खिलाते हैं, हम मिर्चा पकौड़ी भी खिलाते हैं और फल फ्रूट भी खिलाते हैं, जो हम खाते हैं वो ही खिलाते हैं। प्रतिदिन हर मंगल और शनिवार को इनके लिए खीर का भोग लगाते हैं, हलवा भी खिलाते हैं, पूड़ी भी खिलाते हैं, जैसे यानी कि हम खाते हैं जो चीज़ वही हम खिलाते हैं इनको। तो रिंकू, जो आपके लड्डू गोपाल हैं वो क्या आपके लल्ला हैं, भगवान हैं, क्या मानते हैं आप लड्डू गोपाल को अपने? देखो हमने लल्ला के माध्यम से जो ईश्वर को ईश्वर की दृष्टि से देखता है, ठीक है, उसे कभी यानी कि उन्हें मालूम है ईश्वर है, यानी कि जैसी भावना होती है वैसी हमने इनके छोटे पर से लल्ला माना है, तो हम लल्ला मानेंगे। इस पर हम ईश्वर के माध्यम से नहीं पूछते, अगर हम ईश्वर के माध्यम से पूछें तो हम नहीं पूछ पाएंगे। रिंकू, जो आपके लल्ला हैं तो जो आपसे बातें आते करते हैं कुछ नहीं करते हैं जी? आप इनसे अपना जब आप कभी दुखी होते हैं या जब बहुत खुश होते हैं तो क्या आप अपने लल्ला से बातें आते करते हैं, उनको बताते हैं अपनी जिंदगी की बातें अच्छी बुरी? हाँ।
क्या क्या बताते हैं बताइए आज? बताते हैं जिस दिन चोट लगे उस दिन हम रात भर नहीं सोए, तो मुझे सपने में कहा किसी ने कि मेरे करिया में चोट लगे। मैंने सुबह 4 बजे मम्मी को जगाया और वहीं पे टूप लगाया। मैंने कहा यहाँ पे चोट लगे, फिर भी मुझे राइस नहीं पी। प्रशासन आए तो कहने लगे रिंकू जी खाना खाइए, मुझे तब भी राइस नहीं पी। हम प्राइवेट अस्पताल से दवाई लाए, वहाँ मेरी चेक हुई तो मुझे 100 डिग्री बुखार निकला। मैंने 100 डिग्री बुखार जब मुझे निकला तो मैंने दवाई नहीं खाई, अपने अल्लाह को खिलाई, मेरा बुखार मालूम नहीं चला कहाँ चले गए। हमारे साथ रिंकू की माता जी भी हैं, तो हम अब उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो उनके बेटे हैं रिंकू, लड्डू गोपाल के प्रति आस्था और प्रेम रखते हैं, अनोखा प्रेम जो रखते हैं रिंकू, उनसे दिनचर्या के बारे में जानेंगे। किस तरीके से रिंकू पूजा पाठ करते हैं और किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को पालते हैं? लड्डू गोपाल बालक तरीका से पालते हैं और सुबह उठते हैं, उठ के लेटरिन बाथरूम जाते हैं, नहा धोन करके फिर नहाते, नहा के तेल लगाते, फिर कपड़ा रोज पहनाते, भोग लगाते। रोज क्या क्या लगाते हैं? भोग में कभी कभी फल है, कभी खाना है, खाना हमारो बनो वो खाना ना भोग लगाते हैं, अपने बनाए खाना भोग लगाएंगे। देखिए रिंकू की माता जी ने बताया कि जो लड्डू गोपाल है रिंकू उनको अपने लल्ला की तरह पूछते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं उनके हाथ का बना हुआ भोग भी नहीं लगाते रिंकू खुद लड्डू गोपाल के। और क्या क्या करते हैं माता जी लड्डू गोपाल के, वो बताइए क्या करते हैं रिंकू, ये भी बताइए। लड्डू गोपाल सब कुछ करते हैं और बहुत अपनी ख्याल रखते हैं लड्डू गोपाल के, अपने से ज्यादा लड्डू गोपाल की ख्याल रखते हैं। नहीं रिंकू काम क्या करते हैं? काम कुछ नहीं करते हैं, इन्हें हम मगर रात अपने लड्डू गोपाल और काम कुछ नहीं करते। देखिए माताजी ने बताया कि लड्डू गोपाल में ही रिंकू मगन रहते हैं, रिंकू उनको सब कुछ खिलाते हैं, नमकीन बिस्किट टॉफी, मतलब अपने बेटे की तरह पालते हैं। और हम रिंकू से जानेंगे कि क्या क्या रिंकू और क्या करना चाहते हैं लड्डू गोपाल की। तो आपके लड्डू गोपाल की तबीयत ठीक है? हाँ जी स्वस्थ है। अब स्वस्थ है तो इस टाइम मौसम गर्म हो रहा है तो लड्डू गोपाल के पंखा का लगाते हो? पंखा लगाते नहीं, हम दिनभर इनका ख्याल रखते हैं, यानी कि पानी सुबह से शाम तक जब तक होती है तब से 10-12 दफे पिलाते हैं, 10-12 दफे खिलाते हैं। लोग कहते हैं यानी कि एक टाइम भगवान को भोग लगा दो वो पर जाते हैं, जैसे अपने आप खाते हैं 3 टाइम भोग खाते हैं तो उसे उनको भी भोग लगता है। अच्छा तो आप 3 टाइम खिलाते हैं लड्डू गोपाल को और दिन भर में कितना पानी पिलाते हैं? पानी कम से कम जब हम बाहर से आते हैं कहीं भी माता जी तो पिलाती होंगी, नहीं पिलाती हो तो वो जाने, हम आते हैं तब तक पिलाते हैं पानी। तो अच्छा लड्डू गोपाल को कभी खिलाते हो गोद में लेके, कैसे खिलाते हो वो दिखाओ? होली तक खिलाए, होली तक है। ऐसे करके खिलाते हैं या ऐसे बातें करके दिखाइए आप लड्डू गोपाल से, कैसे बातें करते हैं? ऐसे करते हैं, मैं ऐसे पकड़ते हैं ऐसे, और कभी कभी यानी कि बतलाते हैं और पैर भी दबाते हैं। जब सोने जाते हैं तो सबसे पहले इनके पैर दबाते हैं, फिर अपने हम, मेरे पास मोबाइल है वहाँ पे हेडफोन लगा के एक इनके लगाते हैं, फिर एक हम लगते हैं अपने आप, और कीर्तन में मगन हो जाते हैं दोनों लोग, फिर सो जाते हैं। क्या क्या सुनते हैं? सब कीर्तन इन्हीं के सुनते हैं, खाटू श्याम बाबा के हैं और बालाजी महाराज के हैं, यही दिन भर हम लोग सुनते रहते हैं। तो कभी आपके लड्डू गोपाल आपसे नाराज तो नहीं होते? नाराज क्या होंगे, जब नाराज होते हैं तो अपने में क्रोध आता है, ये बताते नहीं, अपने में क्रोध आता है कि आज नाराज हैं। जब अपने आप गुस्सा आती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल आज हैरान है। कैसे मनाते हैं आप लड्डू गोपाल को अपने? मनाते क्या है यानी कि फिर यानी कि गुनगुनाने लगते हैं भजन, मोबाइल तो आता भजन आते नहीं, हेडफोन लगा लेते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं और धीरे धीरे से थपथपाते हैं, तभी जब अपना मन सब खिन जाता है तो जानते हैं हाँ मेरे लड्डू गोपाल अब खुश हो गए। तो सीजन के कौन कौन से फल खिला दिए अपने लड्डू गोपाल को? फल यानी कि ये केले हैं, पपीते हैं और ये सेब हैं और जैसे अंगूर हैं, केले हैं, बादाम, छुआरे, मुलिक्का, किशमिश, ये सब खिलाते हैं। तो अब तो सर गर्मी आ गई है तो अब लड्डू गोपाल कहीं कोल्ड ड्रिंक की, कहीं फ्रूटी की और कहीं आइसक्रीम उइसक्रीम की पिलाई की नहीं? सब खिलाते हैं, जो हम खाते हैं बता क्या रहे, हम जो हम खाते हैं वही, अगर हम मोल टिक्की लाएं बाजार से तो हम टिक्की भी खिलाते हैं, अगर हम मोमोज लाएं तो मोमोज भी खिलाते हैं, यानी कि गर्मी के सीजन पे जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं। तो लड्डू गोपाल को रात में कितने बजे सुलाते हैं? कितने बजे? हम 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, दिन भर ये बैठे रहते हैं, थक जाते हैं ना, 8 बजे दुकान बंद करके हम फिर दोनों लोग लौट जाते हैं, इनके हाथ पैर दबा के और फिर सो जाते हैं, दोनों लोग सुनते रहते हैं 8-9 बजे ले, कम से कम हम लोग कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन सुन के फिर मोबाइल बंद करके रख लेते हैं, फिर हम लोग सो जाते हैं।
आज हमारे साथ लड्डू गोपाल का एक अनोखा भक्त था रिंकू। आपने उसके जवानी सुना, उसके मुंह से सुना कि उसने किस तरीके से अपनी आस्था को जो है बयां किया, इंडिया न्यूज़ के कैमरे के सामने बयां किया। साथ ही आपको बताते चले, जो परिवार के लोग हैं, चाहे माता जी हो चाहे भाई हो, हम लोगों ने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि इनका 24 घंटे पूरे सिर्फ लड्डू गोपाल की पूजा करने में, इन्होंने निकनेम भी रख रखा है लड्डू गोपाल का गोपाल। तो कहीं ना कहीं जो पूरी भक्ति है ये सिर्फ लड्डू गोपाल की भक्ति में, अपने प्यार से लल्ला भी बुलाते हैं। तो शाहजहाँपुर में एक अनोखी आस्था का आपको हमने दिखाई लड्डू गोपाल की, एक भक्त से मिलवाया रिंकू से, शाहजहाँपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज़ के लिए। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।